बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम व्यूअर्स, आज हम आपको ये प्यारा सा ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाकर दिखाएंगे। इस ट्राउज़र को बनाने के लिए सबसे पहले हम ये पट्टी लेंगे। इस पट्टी की चौड़ाई 3 इंच होगी। इस पट्टी को हम यूँ डबल मोड़कर, दोनों तरफ से मोड़कर यूँ डबल मोड़ेंगे, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा मोड़कर यूँ डबल मोड़कर सिलाई लगा देंगे। इसके ऊपर हम यूँ सिलाई लगाएंगे। अब हम इसी तरह दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे। इस तरफ भी हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। ये हमने दोनों सिलाइयाँ लगा ली। अब ये पट्टी हमारी तैयार हो गई। इस पट्टी को हम 4-4 इंच के फासले पर काट लेंगे। ये देखें, ऐसे हम 4-4 इंच के फासले पर इन पट्टियों को काट लेंगे। ये हमने काट ली सारी पट्टियाँ। अब हम कागज़ लेंगे, इसके ऊपर हम ये पट्टियों को लगाएंगे। इन पट्टियों को हम ऐसे रख कर लगाएंगे, क्रॉस की शेप में हम ये पट्टियाँ लगाएंगे ऐसे। ये देखें, ऐसे हम ये पट्टियाँ लगाएंगे, क्रॉस की शेप में ये पट्टियाँ लगेंगी। इसी तरह हम सारी पट्टियों को लगाएंगे। ये हमने पट्टियाँ लगा ली कागज़ के ऊपर। अब हम ट्राउज़र का कपड़ा लेंगे। इस पट्टी को हम, जो हमने कागज़ पर पट्टियाँ लगाई थी, उसको हम ट्राउज़र के कपड़े के नीचे यूँ रख कर ट्राउज़र के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। कागज़ पर जो हमने पट्टियाँ लगाई थी, उस कागज़ को हम नीचे रखेंगे और ट्राउज़र के कपड़े को हम ऊपर रख कर यूँ सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगा ली। अब हम एक सिलाई हम यहाँ ऊपर लगाएंगे। एक एक पैर के फासले पर तकरीबन हम ये सिलाई लगाएंगे। अब हम एक पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई 5 इंच होगी और लंबाई 13 इंच होगी। इस पट्टी को हम यहाँ ट्राउज़र के नीचे रखकर लगाएंगे ऐसे। इन दोनों को भी ज्वाइंट कर देंगे। अब हम कागज़ को उतार देंगे। हमने कागज़ को उतार दिया। अब हम ट्राउज़र का पैंचा मोड़ेंगे ऐसे। ट्राउज़र का पैंचा हम सीधी साइड पर मोड़ेंगे, उल्टी साइड पर नहीं मोड़ेंगे। सीधी साइड पर ट्राउज़र का पैंचा मोड़ेंगे।
अब हम इस सिलाई को खोल देंगे। ये हमने खोल दी सिलाई, अब हम ट्राउज़र को यूँ मोड़ कर इसका पांचा यूँ मोड़ देंगे। ये हमारा प्यारा सा ट्राउज़र का डिज़ाइन तैयार हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।